तो वहीं रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक और 1 बार समाज कल्याण राज्य मंत्री रहे दल बहादुर कोरी का लखनऊ के एक अस्पताल में गुरुवार की देर रात निधन हो गया। आपको बता दें कि दल बहादुर कोरोना से पीड़ित थे। हालांकि इलाज के बाद दल बहादुर ठीक हो गए थे, लेकिन इसके बाद उनकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी दल बहादुर कोरी ने अपने जीवन का सफर मजदूरी और फिर राजमिस्त्री से लेकर विधायक तक पूरा किया। वो सर्व समाज के बीच काफी लोकप्रिय रहे। आपको बता दें कि लखनऊ के अपोलो हॉस्पिटल में विधायक ने अंतिम सांस ली। उनके निधन से न सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बल्कि हर वर्ग के लोग स्तब्ध हैं। आपको बताएं कि बछरवा से बीजेपी विधायक राम नरेश रावत ने बताया कि पिछले 15 दिन से वो अपोलो हॉस्पिटल में कोमा में थे। तो आपको बता दें कि अब तक कोरोना महामारी के चलते उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 4 विधायकों का निधन हो चुका है और आज ये जो खबर आई उसके बाद तमाम लोगों की जुबान पर एक बार फिर से दुखद तस्वीरें देखने को मिली। सभी ने अपने शब्दों में इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक प्रकट करते हुए उनके परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में साथ देने का दावा किया। साथ में उन्होंने कहा कि भगवान इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को इस घड़ी से निगटने में, इस संकट से उबरने में मदद करे। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।